स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एब्सोल्यूट जीरो। क्या कौन सा लेक्चर आ जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगा। अब ये लेक्चर करने से पहले अगर हम अपने प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं तो हमने वहां पे दिया था चार्ज का। अब चार्ज का क्या कहता है कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होगा कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करता हूँ तो ये क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/2 सेंटीमीटर ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि आपने कहा है कि अगर गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी है, क्या है गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम जो भी है, हमने क्या काम किया है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करेंगे या 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम है हमने उसको पहले नोट कर लिया और उसके बाद हमने ये करना है कि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएंगे या 1 डिग्री कम करेंगे तो उस 1 डिग्री बढ़ने से या 1 डिग्री कम करने से जो गैस का वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/273। क्या आ जाएगा? 1/273 उसके अंदर चेंज आएगा या हम टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। और इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट जीरो से जब हमारे पास गैस का वॉल्यूम है वो है 0 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर जो गैस का वॉल्यूम हो सकता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उसके ऊपर जो गैस का वॉल्यूम हो सकता है कितना हो सकता है, 100 डेसीमीटर क्यूब। कितना हो सकता है, 100 डेसीमीटर क्यूब। जब हम इस डेफिनेशन को बात करते हैं तो गैस का जीरो के ऊपर जो वॉल्यूम है उसकी बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल वॉल्यूम उसका वो वाला वॉल्यूम होगा। तो आप अगर हमारे पास जो गैस का टेम्परेचर है वो ये वाला है, इसके ऊपर गैस का वॉल्यूम है वो ये वाला है। अब मैं क्या काम करते हैं, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, क्या काम करता हूँ, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो इसका 1/273 जो पार्ट होगा क्या होगा, इसका राइज इन टेम्परेचर मींस द 1/273 पार्ट ऑफ 100 डेसीमीटर क्यूब एडिशन इन ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब क्या है कि हमने ये देखा कि जब गैस का जो वॉल्यूम था वो था जीरो, सॉरी गैस का टेम्परेचर जो था जीरो था, इसमें जो गैस का वॉल्यूम आया वो कितना आ गया, ये आ गया। अब मैं अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूँ तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से इतना 1/273 हिस्सा ऐड होगा इसके 100 के अंदर, क्या होगा उसके 100 डेसीमीटर क्यूब के अंदर वो ऐड होगा। जब हम इसको ऐड करेंगे इससे मैं ये कर देता हूँ कि हमारा जो हमने जीरो के ऊपर तो इसका वॉल्यूम ये लिया हुआ है और अगर मैं 5 डिग्री के अंदर लेता हूँ तो हमने क्या काम करना है कि इतना 100 में ऐड करना है। ऐड करने का क्या काम करेंगे, 1/273 × 100 उसका इतने गुना उसके आगे ऐड हो जाएगा और तो ये कितना बन जाएगा, इसका जब ऐड करेंगे तो मास को अगर हम इसका 1 डिग्री को बढ़ाते हैं तो हम इसके इतने गुना लेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 1 डिग्री बढ़ने से तो इसका 100 गुना आएगा 0.376। वो हम उसके ऐड करेंगे हमारे पास गैस का वॉल्यूम ये वाला बन जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली चलते हैं तो मैथमेटिकली इसका फार्मूला बनेगा VT = V0। VT किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप उसके वॉल्यूम की बात कर रहे हो, क्या हो रहा है कि आप किसी भी टेम्परेचर के ऊपर गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हो, V0 होगा जब उसका वॉल्यूम था 0 डिग्री के ऊपर और उसके बाद 1/273 ये वो टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर के ऊपर आप उसके वॉल्यूम को फाइंड कर रहे हो। से अगर मैंने एक तो ये आप लोगों को नेट ये करवा दिया है, अब मैं ये करता हूँ इसको इस फार्मूला के अंदर सॉल्व करता हूँ जो कि मैं टेम्परेचर 1 डिग्री पर फाइंड कर रहा हूँ अभी कि हम यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम टेम्परेचर 0 के हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम होगा वो 0 के ऊपर जो भी होगा हम उसको उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कह देंगे। आप क्या काम करना है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है या 1 डिग्री टेम्परेचर को आपने कम करना है तो उसका 1/273 पार्ट उसके अंदर ऐड होगा, ये क्या है एब्सोल्यूट जीरो है। तो हम जब उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैंने क्या काम किया है, अब मैं आपकी बुक की बात करता हूँ उसके ऊपर मैंने एक टेबल दिया हुआ है
उसने 100 के ऊपर 200 300 के ऊपर उसका टेम्परेचर आ रहा होगा या उसका फंक्शनल लेवल क्या वॉल्यूम आएगा, तो हमने क्या काम करना है कि से अगर मैंने एक इंडिकेटरी के लिए आधार पर टेम्परेचर हमारे पास कंडी लिया गया, अगर मैं 200 ट्री करूंगा तो आपका सारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि बस आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर इसी को भाग के 540 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपने करना है एब्सोल्यूट जीरो आपने इस कांसेप्ट के मुताबिक करना है, बात समझ आ गई। एब्सोल्यूट जीरो को आपने इस कांसेप्ट के मुताबिक लेके चलना है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो का, हमने अभी विद्यार्थी को क्या होता है और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने लिया था चार्ल्स का क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और उसके बाद हमने कहा था v1/t1 = v2/t2, ये एप्लीकेबल उस वक्त होगा जब टेम्परेचर हमारे पास होगा किस चीज में, केल्विन में, इसमें होगा टेम्परेचर केल्विन में ना कि होगा सेल्सियस में। देखिए अगर मैं इसका आपने लिया है कि आ जाएगा v1/t1, ये आ जाएगा v2/t2, तो ये एप्लीकेबल किस वक्त होगा जब हमारे पास टेम्परेचर होगा कैसे केल्विन में ना कि जब होगा सेल्सियस में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर मान लिया है वो जीरो है और ये सेल्सियस में, और उसके बाद इसके ऊपर जो गैस का वॉल्यूम यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है ये इतना इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के इतना कर देता हूँ इसको इसका वॉल्यूम के बाद हो जाएगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ सेल्सियस में इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा v1/t1 v1/t1 = v2/t2। अब v1 तो हमारे पास कितना है 546 है और t1 क्या है वो 0 है, और उसके बाद v2 हमारे पास क्या है, v2 हमारे पास 1092 है और उसका t2 हमारे पास कितना है 92, तो वो हमारे पास आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे इसका सम आ जाएगा 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या है कि ये हमारे पास ना उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास होगा टेम्परेचर केल्विन में। अगर मैं केल्विन कन्वर्ट करता हूं हमारे पास v1 ये वाला है, v1 हमारे पास ये वाला है, अगर ये v2 और ये क्या है v2 है हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि जो बॉयस चार्ज का है वो ऑलवेज एप्लीकेबल किस फॉर्म में होगा, जब हमारे पास टेम्परेचर होगा किस फॉर्म में, सेल्सियस में नहीं बल्कि केल्विन में, किस में होगा केल्विन में होगा। अब इसके बाद आपकी बुक के ऊपर ना एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है ये केल्विन में है ये सेल्सियस में, उसके ऊपर गैस का वॉल्यूम ये वाला होगा, वो आप लोगों ने एकदम मस्त देख लेना है। इस पर आ जाएगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अब ग्राफिक का इसमें क्या 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 है, दिस काम स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन किस वक्त होगा, सपोज अगर हम गैस के वॉल्यूम को कम टेम्परेचर को कम करते हैं उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, क्या होगा अगर उसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा कम हो जाएगा, और हमारे पास क्या आती जाएगी एक स्ट्रेट लाइन आती जाएगी। और उसके बाद ओनली पॉसिबल व्हेन वी एक्सट्रापोलेट द ग्राफ देन 273.167। ये अब फर्स्ट करने में इसको आप लोगों से समझाता हूँ, आप इसको ये फर्ज करते हैं कि अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, ये हमारे पास क्या आती जाएगी एक स्ट्रेट लाइन आती जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद आगे आगे कर दिया डॉटेड लाइन, इससे आगे डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ पे क्या है कि ये वो ज्यादा से ज्यादा कम टेम्परेचर है, क्या है ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम गैस को लेके आ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर मैं इसको मजीद कम करता हूँ टेम्परेचर को तो यहाँ पे आगे बिल्कुल आगे उसके जब हम इधर वॉल्यूम की बात करते हैं अगर इधर ऊपर तो वॉल्यूम जा रहा है ऊपर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि अगर टेम्परेचर कम करते हैं इधर को टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो गैस वॉल्यूम भी क्या होता है ऊपर को कम होता जा रहा है। से अगर मैं यहाँ पे करते तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है वो वाला जीरो डेसीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम यहाँ पे जीरो डेसीमीटर क्यूब है। तो अब इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि अगर आप इससे फर्दर टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा और वो बराबर आ जाएगा जीरो के। तो यानी कि आप इसे करोगे कि यहाँ पे तो गैस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये वो टेम्परेचर उसके ऊपर गैस आ रहा है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर हम इसके आगे ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, एक्चुअली ये लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है
कि एब्सोल्यूट जीरो बस एक थ्योरेटिकल थिंग है, हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस रिलेशन के ऊपर तो गैस आके पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, इसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ये तो था हमारा काफी का एक्सप्लेनेशन था इस चीज का, एब्सोल्यूट जीरो का, इस चीज का था एब्सोल्यूट जीरो का। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें ये देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हमने ये कहा कि इसका फार्मूला क्या होगा। उसके बाद हमने इसमें ये किया कि ये एप्लीकेबल किस प्रकार होगा, जब टेम्परेचर होगा सेल्सियस में या टेम्परेचर होगा केल्विन में, ये आपने कर लिया। और उसके बाद हमने किया इसका ग्राफ पे, ग्राफ में हमने आगे आगे बिजली लाइन ग्राफ की, और हमने कह दिया इसके ऊपर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो खैर ये जो था एब्सोल्यूट जीरो वाला काम आया।